सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर दोस्त नरेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अभी ये जो व्लॉग हमारा बन रहा है वो एक्चुअली मैं अभी CBR जो है वो सर्विस के लिए दे रहा हूँ। तो फिलहाल अभी बात ऐसा है कि मैं अभी बाइक दे रहा हूँ सर्विसिंग के लिए। इन सेंस मेरा बाइक बहुत दिनों से सर्विस नहीं किया था मैंने, जब से लिया था अभी से मतलब मैं ऑयल हमेशा चेंज करता था, उसके अलावा मैं कुछ चेंज नहीं करता था। तो फिलहाल अभी मैं बाइक का चेंज पॉकेट, कोन सेट एंड पीछे का जो सस्पेंशन है वो चेंज करने वाला हूँ। मैं फिलहाल निकला हूँ साकीनाका असलफा की तरफ, गैरेज पे जाऊँगा, उसके बाद ही पता चलेगा। भाविक का भी जो TVS अपाच है वो भी वो रिपेयर करने का है, उसको मतलब सर्विस करने का है, तो वो भी मुझे बीच रास्ते में मिलेगा साकीनाका में, फिर हम आगे निकलेंगे। तो चलो अभी चलते हैं आगे की बात आगे। तो चलो अभी बाइक स्टार्ट करते हैं और गणपति बप्पा मोरिया स्टार्ट हो गई भाई। दो दिन से मैं लेके नहीं जा रहा था एक्चुअली जॉब पे। ये व्लॉग मोस्टली अगर मैं बना रहा हूँ उसका तो रीज़न यही है, अपने CBR वाले भाइयों के लिए। एक्चुअली 250 CBR जो है उसके लिए लोगों के माइंड में एक अलग से सेट बचा है, और वो सेट ये है कि बाइक बहुत कॉस्टली मेंटेनेंस देती है या बाइक का पार्ट्स जल्दी मिलता नहीं है, और इसको मतलब बोला बहुत अंडररेटेड बाइक बन गया ये। तो अभी आपको पता नहीं व्लॉग में आवाज़ आ रहा है होगा या नहीं, बट भाई साहब बाइक बहुत बज रही है आगे से एंड पीछे से। द रीज़न इज पीछे से इसका चेंज पॉकेट एंड सस्पेंशन एंड आगे का इसका कोन सेट। हाँ, बट बाइक भाग बहुत रही है एंड बीच में आई थिंक अराउंड 10 डेज के लिए बाइक मेरी बंद थी, क्योंकि इसका ना स्टार्टिंग का इशू होता था, मतलब बैटरी ड्रेन हो रही थी या कुछ पता नहीं चल रहा था। मतलब बैटरी तक चेक कर दिया हम लोगों ने, नई बैटरी है यार, सब कुछ चेक किया गाड़ी के बारे में, पर फिर भी ऐसा हो रहा था कि यार कुछ इशू मिल ही नहीं रहा था। मैंने फ्यूल पंप का मोटर तक मंगा दिया था इसके लिए, पर बाद में गैरेज में जाके जब भी हमने चेक किया तभी पता चला नहीं फ्यूल पंप का जो मोटर है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। मैंने नया स्पार्क प्लग डाला, स्पार्क प्लग का कैप न्यू डाला, फिर और छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि फ्यूल का फिल्टर नया डाला, फ्यूल टैंक पूरा खाली करके पूरा क्लीन करवा लिया उसको, मतलब इतना कि यार मतलब क्या हो रहा है बाइक में। अंदर छोटे मोटे रिलेज थे वो चेंजेस किए, स्विच किए चेंज, मतलब अरे क्या हो रहा है, मतलब स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है बाइक, मतलब कैसा धक्का स्टार्ट हो रही है बट सेल्फ नहीं ले रही है। तो फिर बाद में कहीं जाके हम लोग 2 घंटे तक बाइक बेचारा खोल के बैठा था जब भी मैं बाइक लेके गया मेरा गैरेज वाला जो है रिहान नाम है उसका, एंड उसके बाद में पता चला कि भाई मतलब एक छोटा लड़का जो उसके इधर एक हेल्पर है उसने आके बस बाइक का जो स्टार्टर कॉइल है उसके ऊपर जिस रिले के पास में हाथ लगाया, बता रहा भाई ये गर्म हो रहा है। मैंने बोला ज़रा चेक करके देखो क्यों गर्म हो रहा है, बाद में पता चला अरे यार ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। ज़ोर ज़ोर से ओपन करने के बाद WD-40 ये वो सब लगाओ पेट्रोल वेट्रोल से क्या करके वो ओपन किया, उसके बाद पता चला कि भाई अंदर एक जो स्विच था छोटा वो जल के पूरा पिघल गया था, एंड पिघल के वो पूरा जो स्विच है वो अंदर मेस हो गया था। तो कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, मेरे को वो रिले पूरा चेंज करना पड़ा, एंड पब्लिक डरती है कि भाई क्या एक्सपेंसिव होगा। कुछ एक्सपेंसिव नहीं यार, हार्डली वो 10-15 रुपए का स्विच था और वो रिले था आई थिंक मेरा कुछ 340 रुपीज़ का, सो इट वाज लाइक हाँ चलो मतलब इतना भी महंगा नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी बजाज के बाइक्स देखते हो जो बोलते हो बजाज के पार्ट्स सबसे सस्ते, अरे यार रॉबिन अपने डोमिनर में इतने पार्ट्स लगाया उसने एंड इट वॉज सो एक्सपेंसिव, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि सस्ते ही हो। ये बाइक हो गई है डिसकंटिन्यू, वो बात तो सही है कि बाइक डिसकंटिन्यू हो गई है, इसके पार्ट्स मिलना मुश्किल है। बट मैं अगर फ्रैंकली कहूँ तो पिछले 8 महीने में अगर मैं कोई भी इसमें पार्ट्स लगाने की कोशिश करता हूँ, मैग्नेट कॉइल भी मैंने नया लगाया था जब भी बाइक ली थी, तो उसके बाद जितना भी मैं ट्राई कर रहा हूँ ना भाई मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पब्लिक बोल रही है ना भाई 2023 में लेनी चाहिए या नहीं CBR, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ मेरा 2013-14 का मॉडल है एंड आई एम हैप्पी विद इट। देखो गाइस CBR के बारे में तो एक चीज़ मैं बताऊँगा कि अगर आपको ये बाइक लेनी है तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इसका मेंटेनेंस संभाल पाओगे या नहीं। लोकल गैरेज में भी काम होते हैं हाँ, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप लोकल गैरेज पर ये काम दे रहे हो करने के लिए तो किसके पास दे रहे हो। अगर एक ही गैरेज पर दोगे तो बार बार हमेशा उधर ही देना, दूसरी जगह पर कहीं पर देना नहीं, क्योंकि दूसरी जगह पे अगर आप दे दिए ना तो क्या 10 लोग गाड़ी को हाथ लगाते हैं। तो बात ऐसी है ना कि ये बाइक को पालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको अंडररेटेड पता नहीं क्यों कर दिया, और होंडा ने भी इस पर ध्यान दिया नहीं।
अगर होंडा अपने एक्टिवा पे और यूनिकॉर्न पे कम ध्यान देती तो शायद एक स्पोर्ट बाइक अच्छा मतलब उसका बिजनेस कर पाता। R15 अगर आपको पता है R15 वर्जन 1, 2, 3, 4 तक आ गया भाई। रीज़न उसका यही था क्योंकि उसके मॉडल्स बनते गए आगे, पता अपग्रेड करते गए 150cc होते हुए भी। बट यहाँ पर कैसा है ना भाई, होंडा ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, बस एक लॉन्च करके छोड़ दिया। पार्ट्स नहीं, आफ्टर सेल सर्विस नहीं, ऊपर से सर्विस वालों का नखरा कि करेंगे तो हम ही करेंगे, बाकी किधर करना नहीं है, पार्ट्स लगाएंगे तो हमारे पास लगा। बट नहीं भाई, हमारे पास जुगाड़ कम नहीं है, हमारे पास टैलेंट कम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ऐसे बड़ी बाइक्स काम कर लेते हैं। तो इट वॉज़ लाइक, मेरे को अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ये बाइक का पार्ट्स ढूंढने में या फिर पार्ट्स का सोर्स ढूंढने में। इजीली तो मिल जाता है यार, पब्लिक खाली बोर्ड हाइक बनाती है। अगर मैं तो आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, इसका पार्ट्स भाई इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो बाइक देख तो भाभी का है कि नहीं, मेट्रो के नीचे मिल तो बोला था, फिलहाल मैं तो आ गया हूँ। ये भाई साहब आया है क्या? नहीं, और ये आ गया है भाई। हाँ दिख रहा है उसको, मैं आ रहा हूँ फिर भी वो घुसे जा रहा है अंदर, अभी क्या बोले। और भाई कैसा है? और मेरा भाई ये हॉस्पिटल में था एक हफ्ता हॉस्पिटल में था, एंड एक हफ्ते हॉस्पिटल में पूरा एक्सपीरियंस लिया भाई साहब को। टाइफाइड हो गया था, पतला हो गया थोड़ा तो, डेंगू भी हुआ था, डेंगू टाइफाइड क्या क्या बेचारे को एक ही साथ इफेक्ट कर लिया। बाइक थी उसके ऑफिस में, बट हम लोगों ने कैसे कर, वो जो वो भी बंद हो गई थी बैटरी के इशू के वजह से, बट हम लोगों ने उसको पिकअप किया, मैं रॉबिन एंड लेकर आके रख दिए थे। तो अभी सर्विस करना बाकी है, अभी मैं जा रहा हूँ तो इसके साथ वो भी जा रहे हैं सर्विसिंग करने के लिए। तो फिर क्या बोलता है भाई, बाकी कैसे अभी तबीयत सब? ऑल गुड, गाड़ी तैयार कर लेते, स्प्रेड वापस राइड जाते, जाएंगे जाएंगे बहुत जल्द राइड जाना है। तो अभी तो भाई साहब का तबीयत सही लग रहा है, एंड भाई ऐसे ही रहो, हंसते खेलो, जियो, मुस्कुराओ, कल होना हो वाला सीन है। नहीं बहुत ज़्यादा हो गया था, 2 बार एडमिट हो गया था 2 हॉस्पिटल्स में। चल जाते आगे। अभी मैं वो रियान के गैरेज पे आ गया हूँ, एंड रियान भाई इधर है, अभी देखते हैं भाई जो भी है जैसा है। रियान काम कर रहे हैं, मैं आई स्मार्ट पे अपना स्मार्ट वर्क दिखा रहे। तो ये अभी अपना CBR ओपन कर दिया है यहाँ का चेन पॉकेट के लिए, पुराना वाला चेन है, और ये भाई निकाल रहे। नया पार्ट दिखा देता हूँ आपको जो अभी है फिलहाल के लिए यहाँ पे, ये सस्पेंशन पॉकेट और कौन से लाया हुआ है ना। अभी हमें पता चला है कि इसका पीछे का लाइनर भी गया है भाई, घिस गया। वही मैं सोचूं ब्रेक क्यों नहीं लग रहा था। तो ये है अपना कौन सेट, और ये कौन सेट पड़ा मेरे को अराउंड 1100 में, और ये चेंज पॉकेट चेंज भाई साहब, नया ब्रांड न्यू, अब तो भागेगी आतंक। और ये जो चेंज पॉकेट पड़ा अपने को, आई थिंक 1700 एंड समथिंग ऊपर, मतलब ये 1800 पकड़ो। एंड ये जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन मेरे को पड़ा 1950। यहाँ पे भाविक के अपाचे का भी काम हो रहा है, पहला मीटर निकालेंगे क्योंकि मीटर का देखेंगे जुगाड़ कुछ होता है या नहीं, रिपेयर हो पाएगा या नहीं। तो ये मीटर है भाई, इसको चेक करने का 100 रुपीज़ बोला है। तो अभी अपन चेक कर लेते हैं कि ये रिपेयर होगा, अगर रिपेयर होगा तो रिपेयर कर लेंगे, अराउंड 2000 का खर्चा है। अगर रिपेयर नहीं होगा तो भाई 7000 का नया बिठाना पड़ेगा, बड़ा खर्चा। अभी जस्ट मैंने ये चीज़ लिया जो ये है पीछे का लाइनर, ABS मॉडल का CBR का। भाई प्राइस तो देखो, प्राइस देखो इसका 1500 की ये सिर्फ चीज़ है, मतलब इतनी छोटी चीज़ से इतना कुछ बड़ा चीज़ तो 2000-1500 में इतनी दो चीज़। भाई अच्छे से कर, प्यार से कर, गाड़ी खर्चा बहुत हो रहा है। तो बात ऐसी है कि भाई लुट गए हम, अभी तक 6500 घुस गए, अभी और घुसने वाला है क्योंकि अभी तक आगे का जो लाइनर है वो आया ही नहीं। फिलहाल के लिए इसका भाविक का जो मीटर है वो करके आते हैं, उसके बाद में आगे का बात देखेंगे। CBR बन रही है वहाँ पे, और इसका मीटर निकाला तो लगा देंगे। दे मीटर दे, चला तू, मैं बैठता हूँ पीछे। तो भाई इन शॉर्ट बात ये है कि महंगी बाइक मत लो, बड़ी बाइक मत लो, बहुत खर्चे आते हैं 150 से। तो ये अपना जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो है नया वाला, और जो पीछे जो रस्टी है वो पुराना वाला। ये वाला पूरा घिस गया और ये वाला पूरा नया है।
तो इससे पता चलता है बाइक का पिकअप कितना डिफरेंस होता है और बाइक का परफॉर्मेंस यही चीज़ पे डिपेंड है कि इतना शार्प है, घिस गया पूरा। तो अभी अपने न्यू वाला स्पॉटेड का जो व्हील है वो फिट कर रहे हैं, अभी ये लगाने के बाद चेन लगाएंगे। डबल स्टैंड नहीं होने का नुकसान, डबल स्टैंड होना ज़रूरी है बाइक में, मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है। ओ मेरा भाई, ये देख कौन आया, रॉबिन। ओ भाई रॉबिन, रॉबिन सेट लोग है, सेट लोग। तो गाइस ये ओरिजिनल डिस्पैच सीडीआर 250R के भाई 1500 के दो क्या बोलेंगे, हॉर्नेट के अराउंड आ जाते 500-600 में। सीडीआर 250 ABS मॉडल पे लगने वाले 1500, तो ब्रेकिंग तो अच्छी होनी चाहिए उसमें, लगाना पड़ रहा है। तो गाइस अभी ये है इसका आगे का डिस्पैच। अभी ये जो है ना, ये है लोकल वाला, लोकल इसलिए है क्योंकि अगर आप मेरा आगे का डिस्क देखोगे तो एक कट्स आ गए, तो पूरा कट गया, तो ये वजह से अगर मैं ओरिजिनल डालूँगा जो आता है तो मतलब नहीं। तो गाइस अभी बात ऐसी है कि वो जो ब्रेक्स है वो निफिन के है बट वो कॉपी है, लोकल है, तो ऑलरेडी मेरी प्लेट कटी हुई है, उसने मैंने लोकल वाला डाला है क्योंकि अगर उसमें हॉर्नेट का भी मैच होता है, अगर आप सीबीआर 250 का लेने जाओगे तो 1950 का एक आपको आगे का ABS का डिस्क पैड का जो जोड़ी है वो आता है, एंड हॉर्नेट का भी इसमें बैठता है जो कि ओरिजिनल आता है 1350 का। तो अगर आपको 1950 बचाना है सीबीआर वाला तो ओरिजिनल डालना है तो हॉर्नेट का डाल सकते हो 160 ABS वाला, वो 1350 का है। एंड अगर आपको प्लेट वेट कट गया है या घिस गया है, पुरानी गाड़ी है, तो आप पैसे बचाने के लिए 350 वाला डाल सकते हो जो कि मैंने डाला क्योंकि मेरा प्लेट कट गया है फिलहाल, तो वो डालूंगा। जब भी मैं अगर नया प्लेट डालूंगा तो ऑब्वियसली मैं नया डिस्क पैड डालूंगा, फिलहाल के लिए ये चलता है। तो अभी फिलहाल बच गए हैं, कितना बज रहा है, अभी बज रहे हैं 4:15 हो गए और हमने कुछ खाया नहीं, तो फिलहाल जाके कुछ खा के आएंगे। ये जो बंदा सामने बैठा है इसको झूठ लग रहा है कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता हूँ। भाई नाम क्या है तेरा? इरशाद अली तो झूठ लगता है। इरशाद भाई मैं चैनल को सब्सक्राइब करा, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना? हाँ हाँ, गाड़ी का काम करा तो करेगा ही। सो और रॉबिन क्या बोलता है? वड़ा पाव एक हो गया खा के, गरीबों का एक ही चीज़ है इंडियन बर्गर दैट वी कैन अफोर्ड, ये मतलब गैरेज वाली जगह पे ठीक है। मैं नहीं खा सकता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। ये नहीं खा सकता इसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए कैमरा बंद था तभी खाया, कैमरा का मैं नहीं खा सकता हूँ। तो ये भी अपनी कॉन्सेप्ट का अलग ऐसा है, तो ये जो अंदर के वटाने हैं वो संग है, बैरिंग का कवर है शायद। अरे नहीं रे, बैरिंग है पूरा रस्ट हो गया, पूरा रस्ट हो गया। तो ये अभी अपना कौन सेट का बॉल बैरिंग है, तो ये भी कौन सेट लगेगा, यहाँ पे काम चालू है। तो अभी अपना आगे का जो ब्रेक कैलिपर है तो उसके अंदर अभी अपना वो डिस्पैड लगा रहे, अभी वो तो यूजेज के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है, क्योंकि ये वाला अपना लोकल है। सो फाइनली अपना बाइक का काम हो गया है, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं क्या काम हुआ है। ये जो काम हुआ है वो ठीक से मैं बाइक को वॉश करा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए अभी चलते हैं घर पे क्योंकि बहुत लेट हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 7 बज गए। सो फाइनली गाइस अभी मैं घर पे आ गया हूँ और भाई नहा धो के मस्त फ्रेश हो गया, पूरा दिन निकल गया आज गैरेज पे ही, बट चलेगा कोई बात नहीं है, गाड़ी का काम भी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो सस्पेंशन डाला, फिर उसके बाद में चेंज पॉकेट डाला, कौन सेट डाला है तो भी अपने चलाने पे, अगर हम कैसे भी रफ चलाएंगे तो उड़ेगा ही, पर वैसे भी हम सेफ ही चलाते हैं, इतना तो पाए कुछ रफ चलाते नहीं है। सो यही था आज का जो वीडियो था, इतना ही। तो CBR के ऊपर जितना लोगों को कुछ डाउट रहेगा तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हो। तो आप 2017-18 का जो मॉडल था स्पीड लाइंस वाला वो ले सकते हो, क्योंकि 2019 या 2020 में ये लास्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद में आगे इसका बना नहीं है मॉडल्स। तो अगर आप लेते हो तो ओन कर सकते हो एक लेजेंडरी बाइक, भाई लेजेंडरी बाइक बोल सकता हूँ मैं क्योंकि एक अच्छा खासा पावर है। पता नहीं है मार्केट में चली क्यों नहीं, बट बाहर में इसका बहुत क्रेज़ है, बाहर अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे तो वहाँ पर बहुत क्रेज़ है। एंड जैसे मैंने कहा कि भाई जापानीज इंजन है होंडा, तो एकदम बेस्ट। और
अभी तो इसका नया लेटेस्ट वर्जन भी निकल रहा है 250 RR जो रेसिंग वर्जन रहेगा एंड बहुत ही बेस्ट होगा क्योंकि वो ड्यूल सिलेंडर वाला है। अपने इंडिया में इतना जल्दी आएगा नहीं कि अगर आता भी है तो भाई 3.5-4 लाख के नीचे नहीं होगा, कम से कम 4 से 4.25 लाख रुपये पकड़ के चलो आप। तो बस इतना ही आज का वीडियो, इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या CBR के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कभी कभी छोटे छोटे वीडियोस बना, कभी कभी बहुत दिनों बाद वीडियोस बनाता हूँ बट अच्छे बना लेता भाई, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। कभी कभी बहुत दिनों बाद वीडियोस बनाता हूँ बट अच्छे बना लेता भाई, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाने चाहिए थे अब तक बट नहीं हुए क्योंकि मैं डेली नहीं रखता फ्लो वीडियोज़ के, बट कोशिश करेंगे कि अभी करेंगे कुछ यार, मतलब मिल रहा नहीं है, काम के भागदौड़ में सब जा रहा है। सो बस इतना ही वीडियो आज का, इतना ही था एंड डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स। मुंबई राइडर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड बाय बाय।